मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट लोकसभा से पास, आज राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पर चर्चा का देंगी जवाब। कांग्रेस संसदीय दल की आज बैठक, सोनिया गांधी मीटिंग को करेंगी संबोधित, सुबह 9:30 बजे संसद भवन परिसर में होगी बैठक। कांग्रेस ने बजट बहस पर वित्त मंत्री के जवाब के दौरान प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति पर उठाए सवाल, पूछा क्या यही संसदीय आचरण का मानक है। संसद में बजट पर चर्चा के दौरान बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर का राहुल गांधी पर जाति वाला वार, बोले जिनकी जाति का पता नहीं वो करते हैं जाति जनगणना की बात। पीएम मोदी ने अनुराग ठाकुर के लोकसभा में दिए भाषण की तारीफ की, कहा इंडी गठबंधन की गंदी राजनीति को उजागर किया गया, साथ ही लोगों से इसे सुनने की भी अपील की। राहुल गांधी का पलटवार, बोले देश में दलितों आदिवासियों पिछड़ों की बात उठाने पर गाली खानी पड़ती है, मैं गालियां खाऊंगा लेकिन जाति जनगणना करवा कर रहूंगा। अनुराग ठाकुर के बयान से तिलमिलाए राहुल, कहा अनुराग ठाकुर ने मुझे गाली दी है, मुझे अपमानित किया है, मगर मुझे अनुराग ठाकुर से कोई माफी नहीं चाहिए, मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। संसद में राहुल गांधी के बचाव में खड़े हुए अखिलेश यादव अनुराग ठाकुर से बोले, आप किसी की जाति नहीं पूछ सकते, बीजेपी को बताया आरक्षण के खिलाफ। मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, बोले कांग्रेस किसी भी जातिवादी गाली को सुनने के लिए तैयार, लेकिन जाति जनगणना लागू करने के लिए अचल है। प्रियंका गांधी ने अनुराग ठाकुर के बयान को देश की 80% से आबादी से जोड़ा, पूछा आप देश की संसद में देश की 80% जनता को गालियां दी जाएंगी क्या। शहादत है राहुल गांधी की जाति, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने यह अनुराग ठाकुर के बयान पर जवाब दिया है, कहा कि गांधी परिवार को जितनी गाली दे भारत में जाति जनगणना होकर रहेगी। आरजेडी सांसद मनोज झा ने भी जाति जनगणना करवाने की वकालत की, बोले पीएम मोदी अगर इस मुद्दे पर टाल मटोल कर रहे हैं तो 240 सीट से 40 पर आ जाएंगे। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का राहुल पर हमला, कहा राहुल गांधी को उड़ता तीर लेने की आदत है, राहुल अनुराग ठाकुर ने किसी का नाम नहीं लिया। और चलिए आगे बढ़ते हुए 9 सेकंड न्यूज में अब देश की राजनीति की खबरें आपको दिखाते हैं। यूपी के अमरोहा पहुंचे आरएसएस चीफ मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा देश और धर्म एक ही हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि संघ मिलकर प्रधानमंत्री बनाने का फैसला लेते हैं। केरल के पलक्कड़ में 31 अगस्त से होगी बीजेपी और आरएसएस की बैठक, 3 दिन तक चलने वाली इस मीटिंग में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन मंत्री बीएल संतोष होंगे शामिल। दिल्ली के जंतर मंतर पर विपक्ष का प्रदर्शन, सुनीता केजरीवाल का बड़ा आरोप, कहा दबाव के तहत हुई केजरीवाल की गिरफ्तारी, बिना किसी सबूत के जेल में रखा गया। विपक्ष की रैली में अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा झूठे आरोप में विपक्षी नेताओं को फंसाने वाले एजेंसियों को सरकार में आने के बाद खत्म कर देंगे। उद्धव गुट के सांसद संजय राउत का बीजेपी पर हमला, कहा इन लोगों ने सीएम अरविंद केजरीवाल को जेल में नहीं डाला, देश के लोकतंत्र को जेल में डाला है। इंडिया गठबंधन के धरने पर बीजेपी का पलटवार, वीरेंद्र सचदेवा बोले भ्रष्ट व्यक्ति को बचाने के लिए बाकी भ्रष्ट पार्टियां आई साथ, केजरीवाल पर है घोटाले का आरोप। सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार कैंप के बीच खटपट की खबरें, मामले को सुलझाने के लिए राहुल गांधी और खड़गे ने दोनों नेताओं से मुलाकात की। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कसी कमर, आज पार्टी के शाखा प्रमुखों के साथ करेंगे बैठक, विधानसभा चुनाव की तैयारियों का लेंगे जायजा। बिहार की राजनीति में फिर एक्टिव हो रहे हैं चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस, पूर्व सांसदों और पार्टी के बड़े नेताओं की बैठक बुलाई, विधानसभा चुनाव पर मंथन होगा। अधीर रंजन चौधरी पार्टी से नाराज, सूत्रों के मुताबिक बिना बताए बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटाए जाने से भड़के अधीर। राजस्थान में आज नए राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े लेंगे शपथ, शाम 4 बजे राजभवन में होगा शपथ ग्रहण समारोह, वो कलराज मिश्र की जगह लेंगे। छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त राज्यपाल रमेन डेका आज पद एवं गोपनीयता की शपथ लेंगे, सुबह 10:15 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण होगा। यूपी के मुरादाबाद में बीजेपी नेता सतवीर सिंह को पुलिस ने किया गिरफ्तार, स्मार्ट सिटी योजना में के ऑफिस से टेंडरों की जानकारी लीक करने का आरोप। 9 सेकंड न्यूज में अब खबरें आसमानी आफत की दिखाते हैं आपको। केरल के वायनाड में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, लैंडस्लाइड में 151 लोगों की मौत, 800 लोगों का रेस्क्यू किया गया, बढ़ सकता है मृतकों का आंकड़ा।
अभियान में लगी सेना ने पहुंचाई भारी मशीन और खोजी कुत्ते भी लगाए गए हैं। मलबे में दबे लोगों की तलाश जारी है। इलाके में हुए दो लैंडस्लाइड से मलबे ने काफी बड़े इलाके को चपेट में लिया। केरल के वायनाड में हुए लैंडस्लाइड की चपेट में आने से कई गांव पूरी तरह से तबाह। सैकड़ों लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका। सो रहे लोगों को नहीं मिला बचने का मौका। मंगलवार रात करीब 2 बजे हुआ था पहला लैंडस्लाइड, फिर सुबह 4:30 बजे खिसकी जमीन। नतीजतन कई घर बह गए। सोते हुए कई गांव के लोग मलबे में जिंदा दफन हो गए। खराब मौसम के बीच लोगों की तलाश जारी है। सेना और एनडीआरएफ की टीम सर्च ऑपरेशन और रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। भूस्खलन की वजह से हर तरफ दिख रही है तबाही। मलबे से मिल रहे हैं इंसानी अंग। केरल में चूरल मामला के अग्निशमन अधिकारी के मुताबिक अस्थायी पुल बनाकर चलाया जा गया रेस्क्यू ऑपरेशन। पहले दिन इलाके से 700 लोगों को बचाकर शेल्टर कैंप में शिफ्ट किया गया। मल्लापुरम के एसपी एस श्रीधरन ने बताया रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मिल रहे शवों के टुकड़े डीएनए जांच के लिए सैंपल लिए जा रहे हैं। तिरुवनंतपुरम में डिफेंस पीआरओ ने बताया प्रादेशिक सेना के अलावा पामूरी मिलिट्री स्टेशन से 130 कन्नूर से 200 जवान भेजे गए। पुल नहीं होने पर रस्सी का इस्तेमाल किया गया। राहुल और प्रियंका गांधी आज नहीं जाएंगे वायनाड। कांग्रेस सांसद ने केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि इलाके में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन को देखते हुए फैसला लिया गया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने वायनाड लैंडस्लाइड में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। कहा पार्टी कार्यकर्ताओं को राहत के काम में मदद के लिए निर्देश दिए गए। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा वायनाड में लैंडस्लाइड एक दिल दहला देने वाली आपदा है। घटना में बचाए गए लोगों का अस्पताल में चल रहा है इलाज। केरल के मुख्य सचिव वी गेणुगोपाल ने कहा है कि कई लोगों के लापता होने की खबर है। बढ़ सकती है हताहतों की संख्या। रेड अलर्ट होने की वजह से उड़ान नहीं भर पा रहे हैं हेलीकॉप्टर। वाराणसी में भारी बारिश की वजह से खिसकी जमीन। मलबे में बहे लोगों कई लोगों के शव नदी के पास बरामद हुए हैं। मलबा आने की वजह से नदी ने रास्ता बदल दिया है। मुख्यमंत्री पी विजयन से पीएम नरेंद्र मोदी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ली हादसे की जानकारी। घटना पर दुख जताया, हर संभव मदद का भरोसा दिया। फायर ब्रिगेड के 321 लोगों के साथ साथ एनडीआरएफ के करीब 200 लोगों ने वायनाड में संभाला मोर्चा। सेना वायुसेना के जवान भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे। करीब 41 रिलीफ कैंप में लोगों को शिफ्ट किया गया। कोझिकोड जिले में मलबा आने से नदी किनारे बने कई घर तबाह। लैंडस्लाइड की वजह से मलयंगाड का पुल बह गया। तटीय इलाकों में कई लोग फंसे। सेना लैंडस्लाइड से प्रभावित इलाकों में चला रही है राहत और बचाव का अभियान। मेडिकल एड पोस्ट के जरिए की जा रही है मदद। ईटीएफ लगातार अस्थायी पुल बनाकर प्रभावित इलाकों में पहुंचा रही है मदद। दिल्ली में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाला कैंडल मार्च। झारखंड ट्रेन हादसा, वायनाड भूस्खलन और कोचिंग सेंटर में हुए हादसे को लेकर कैंडल मार्च निकाला। केरल सहित देश के कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने कहा उत्तर पश्चिम में तेज होगी बारिश। पंजाब हरियाणा दिल्ली सहित कई इलाकों में भारी बारिश संभव। केरल के कोझिकोड में भारी बारिश से बड़ी मुसीबत। नहर और नदियां हुई ओवरफ्लो। डैम को लेकर प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। उत्तराखंड के बूढ़ा केदार इलाके में बादल फटने और लैंडस्लाइड की चपेट में आने से पूरा गांव तबाह। पीड़ित परिवारों से मिले धामी। इलाके का एरियल सर्वे किया गया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के कई गांवों में बादल फटने से भारी नुकसान। घटनास्थल का प्रशासनिक अधिकारियों ने किया दौरा। नुकसान का आकलन किया। उत्तराखंड के 3 जिलों में आज स्कूल बंद। देहरादून, टिहरी और नैनीताल जिले में आदेश जारी। मौसम विभाग का कल तक के लिए भारी बारिश का अलर्ट। करगिल जिले के खवास गांव में फ्लैश फ्लड से तबाही। मौके पर पहुंची पुलिस और एनजीओ की टीम। कुछ घरों को पहुंचा नुकसान लेकिन खेतों और बगीचों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में आधी रात बादल फटा। कई घर चपेट में आए। देर रात लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। उज्जैन में शिप्रा नदी में बाढ़। घाट के सारे मंदिर हुए जलमग्न। प्रशासन के अलर्ट के बाद घाटों पर पूजा अर्चना बंद की गई। मध्य प्रदेश के कटनी जिले में मूसलाधार बारिश से उफान पर नदियां जान जोखिम में डालकर नजर आ रहे हैं युवक। आसपास के रास्ते भी पानी में डूबे। गुजरात के बनासकांठा में बारिश से बिगड़े हालात। सड़क पर पानी भरने से लोगों को परेशानी। चारों तरफ भरा पानी। गुजरात के वलसाड में हुई भारी बारिश। सड़कों पर घुटने तक भरा पानी। बारिश के कारण पानी में फंसी है गाड़ियां।
वाराणसी में तेजी से बढ़ रहा है गंगा नदी का जलस्तर। घाटों में कई सीढ़ियां गंगा के पानी में डूबी। दशाश्वमेध घाट पर की जाने वाली आरती का जगह बदला गया है। 9 सेकंड न्यूज में अब दिल्ली में हुए दर्दनाक हादसे की और उससे मची सियासी बवाल की खबरें से बताते हैं। दिल्ली में छात्रों ने शुरू की बेमियादी भूख हड़ताल। कोचिंग हादसे में मारे गए छात्रों के परिजनों के लिए 5 करोड़ मुआवजा, एक निश्चित समय में समिति की रिपोर्ट जमा करने सहित कई मांग। डीसीपी सेंट्रल एम हर्षवर्धन ने कहा, हम रोज प्रदर्शनकारी छात्रों से बात करते हैं। एलजी ने भी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की है। डीसीपी ने अपील की है सिस्टम पर भरोसा रखे छात्र। कोचिंग हादसे के बाद एमसीडी की कार्रवाई जारी। ओल्ड राजेंद्र नगर सहित कई इलाकों में कोचिंग सेंटरों में बेसमेंट सील, पीजी और गेस्ट हाउस को भी जांच के बाद कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे के लिए जांच समिति बनाने की याचिका, दिल्ली हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई। बीते दिनों कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में डूबने से 3 छात्रों की मौत हो गई। कोचिंग हादसे में गिरफ्तार एसयूवी कार ड्राइवर की जमानत याचिका, आज शाम 4 बजे कोर्ट सुनाएगा फैसला। कल दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सुरक्षित रख लिया गया था फैसला। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा, सबसे अच्छा काम करने वाले मुख्यमंत्री को जेल में डाला गया। 25 साल से एमसीडी में थी बीजेपी और बेसमेंट में क्लास चलते रहे, हम मामले में कार्रवाई कर रहे हैं। दिल्ली में कोचिंग सेंटर का हब माने जाने वाले इलाके में एबीपी न्यूज़ की पड़ताल। कालूसराय में बेसमेंट में चल रही हैं क्लासेस जो बंद हो गई हैं। परिजनों ने बच्चों को बेसमेंट में क्लास नहीं लेने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली के लक्ष्मीनगर इलाके में कोचिंग सेंटर पर एमसीडी की कार्रवाई। संस्कृति एकेडमी का बेसमेंट सील किया गया, इसी बेसमेंट में चलती थी कोचिंग क्लासेस। दिल्ली के जनकपुरी इलाके में एलन कोचिंग, फिजिक्स वाला सहित कई नामी कोचिंग संस्थान, सुरक्षाकर्मियों ने कैमरा देखते ही गेट बंद किया। तक्षशिला कोचिंग में बेसमेंट में चलती हैं क्लासेस। पटना में कोचिंग संस्थानों की एसडीएम ने जांच की, कई जगहों पर जांच से में कमियां सामने आई। कोचिंग संचालकों को एसडीएम ने लगाई फटकार, छात्रों ने भी शिकायत दर्ज कराई। कोटा में अभियान के बाद बेसमेंट में चल रही 13 लाइब्रेरी को बंद कराया गया। कोटा के छात्रों ने कहा, अवैध रूप से कई जगह बेसमेंट में मेस और लाइब्रेरी चल रही है। यूपी में कई जगह कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई। लखनऊ में 5 कोचिंग सील, चंदौली में बेसमेंट में कोचिंग चलाने पर कार्रवाई, नोएडा में बेसमेंट में चलने वाले कोचिंग संस्थान सील किए गए। 9 सेकंड न्यूज में अब देख लीजिए देश भर की कुछ बड़ी खबरें। यूपी विधानसभा में लव जिहाद से जुड़ा बिल पास, आजीवन कारावास और जुर्माने का भी प्रावधान। महाराष्ट्र और तेलंगाना में भी ऐसा कानून बनाने की मांग। संशोधित विधेयक में सामूहिक धर्म परिवर्तन पर भी आजीवन कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान। विदेशी और अवैध संगठन से पैसा लेने पर भी कैद और जुर्माना। यूपी सरकार के मंत्री ओपी राजभर ने कहा, विपक्ष मुसलमानों को गुलाम बनाए रखने के लिए करता है बयानबाजी। योगी शासन के दौरान 51 मुसलमान बने आईएएस। लव जिहाद बिल पर अखिलेश यादव ने पूछा, बीजेपी से और क्या उम्मीद करेंगे, ये नौकरी नहीं देंगे। देश से अब खत्म होने जा रही है सांप्रदायिकता की राजनीति। महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री और शिवसेना नेता उदय सामंत का बयान, लव जिहाद पर महाराष्ट्र में भी बनना चाहिए कानून। यूपी सरकार जैसा कानून बनना चाहिए, हम समर्थन करेंगे। तेलंगाना से बीजेपी विधायक टी राजा ने कहा, हर राज्य में बनना चाहिए लव जिहाद पर यूपी जैसा कानून। हर राज्य के मुख्यमंत्री को सीएम योगी से प्रेरणा लेने की जरूरत। अयोध्या में महंत सत्येंद्र दास ने लव जिहाद पर कड़ा कानून बनाने पर खुशी जताई, कहा यह बिल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि लव जिहाद हमारे देश के लिए खतरनाक। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों के खिलाफ अभियान तेज। रात में शॉल और कंबल ओढ़कर लोगों को जंगल में ना जाने की पुलिस ने अपील की है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की आज आखिरी तारीख। जानकारी के मुताबिक 26 जुलाई तक 5 करोड़ से अधिक आईटीआर दाखिल किए गए। और अब चलिए 9 सेकंड न्यूज में आगे बढ़ते हुए वक्त है कोर्ट और वहां सुनवाई जो होगी उससे जुड़ी खबर से आपको अपडेट करने का। चुनाव में मुफ्त की योजनाओं की घोषणा का मामला आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। कोर्ट से पहले 2013 में इसी मसले पर आए अपने फैसले की समीक्षा की जाएगी। पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट में आज सुनवाई। पूजा खेडकर ने अपनी अर्जी में कहा, उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया। सांसद अमृतपाल सिंह के खिलाफ एनएसए लगाने का मामला, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका पर आज होगी सुनवाई। फिलहाल जेल में बंद है अमृतपाल।
आगे बढ़ेंगे और आपको दिखाएंगे क्राइम की दुनिया से जुड़ी कुछ खबरें 9 सेकंड न्यूज में। नवी मुंबई यशस्वी हत्याकांड के आरोपी दाऊद शेख को आज कोर्ट में किया जाएगा पेश। दाऊद को कर्नाटक के गुलमर्ग में पुलिस ने किया है गिरफ्तार। यशस्वी हत्याकांड पर सीएम एकनाथ शिंदे का बयान, बोले फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा केस और उज्ज्वल निकम को सरकारी वकील नियुक्त किया जाएगा। बीजेपी नेता नीतीश राणे ने यशस्वी शिंदे के परिवार से मुलाकात की, कहा उन्हें मुस्लिम राष्ट्र बनाना है इसलिए लव जिहाद हो रहा है, बहनों को धोखा देने का काम हो रहा है। मुंबई के धारावी में हिंदूवादी संगठन से जुड़े अरविंद की शव यात्रा के दौरान बवाल, दो समुदाय के कुछ लोगों के बीच पत्थरबाजी हुई, पुलिस ने हालात को संभाल लिया। यूपी के बहरिया में दो पंचायत सदस्यों के बीच दुकान पर कब्जे को लेकर फायरिंग, गोलीबारी में दो लोग घायल, इलाके में बड़ी तादाद में पुलिस वाले तैनात। 9 सेकंड न्यूज में अब आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं देश के अलग अलग राज्यों से जुड़ी कुछ बड़ी और अहम खबरें। निरंजनी अखाड़े के चीफ स्वामी प्रेमानंद के हिंदू महिलाओं को चार बच्चे पैदा करने वाले बयान पर घमासान, प्रयागराज में महिला संतों ने कड़ा एतराज जताया। यूपी के सुल्तानपुर में राहुल गांधी के हाथ में सिली हुई चप्पल का मुंह मांगा रेट दे रहे हैं ग्राहक, लेकिन दुकानदार रामचेत अनमोल बताते हुए बेचने से इनकार कर देते हैं इसको। मध्य प्रदेश के शिवपुर में 56 सरकारी मदद से चल रहे मदरसों की मान्यता रद्द, प्रशासन का दावा, कहा जिन मदरसों में पढ़ाई नहीं हो रही है, कोई छात्र नहीं है, उन पर हो कार्रवाई। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का बयान, बोले जिस ट्रेन को पटरी पर दौड़ना चाहिए वो बेपटरी हो गई है, रेल मंत्रालय जो कहता है और दिखाता है उसकी हकीकत सबके सामने है। योगी सरकार में मंत्री नंदगोपाल नंदी के बेटे अभिषेक की कार का हादसा, आगरा से लखनऊ लौटते समय एक्सप्रेसवे पर डिवाइडर से टकराई गाड़ी, कार में अभिषेक के साथ उनकी पत्नी भी सवार थी। कन्नौज के तिरवा कट के पास अचानक अनियंत्रित हो गई कार, डिवाइडर से टकराने के बाद कार से अलग हो गया इंजन, मौके पर मौजूद लोगों ने अभिषेक और उनकी पत्नी को कार से बाहर निकाला। सूरत में निर्माणाधीन मेट्रो पुल के एक हिस्से में आई दरार, मेट्रो पुल को पिलर के ऊपर रखे जाने के दौरान दरार आई, जानकारी के बाद मौके पर पहुंचे मेट्रो के अधिकारी। यूपी के बरेली में बेकाबू ट्रक से कार की टक्कर, कार में सवार चार लोगों में तीन लोगों की मौके पर मौत, गाड़ी काट कर स्थानीय लोगों ने शव निकाले। छत्तीसगढ़ में छात्रों ने निकाला कैंडल मार्च, सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के नतीजे घोषित करने की मांग, 2018 में शुरू हुई भर्ती का आज तक नहीं आया रिजल्ट। 9 सेकंड न्यूज में अब आगे रुख करेंगे और आपको दिखाएंगे कांवड़ यात्रा से जुड़ी कुछ अहम खबरें। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर कांवड़ियों के ऊपर पुष्प वर्षा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हेलीकॉप्टर से बरसाए कांवड़ियों के ऊपर फूल। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की कांवड़ियों की सेवा, सीएम ने कांवड़ियों के पैर धोकर स्वागत किया, सीएम बोले शिव भक्तों की सेवा कर हुई अद्भुत अनुभूति। राजस्थान के लोहा गर्ल धाम पर कांवड़ियों और पुलिस में झड़प का मामला, एसपी का बयान, कहा सूर्य कुंड पर घुस आए थे कुछ असामाजिक तत्व, उन्हें हटाने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। हरियाणा के फतेहाबाद में कांवड़ियों ने मचाया उत्पात, मामूली से विवाद में स्कूल बस पर पथराव कर दिया, पुलिस ने एक्शन किया, विरोध में सड़क जाम कर दी। शहीदों के नाम से कांवड़ लेकर निकले शिवभक्त, एक कांवड़ियों ने अपने शरीर पर लिखवाए 267 शहीदों के नाम, मुजफ्फरनगर पहुंचने पर कांवड़िए को देखने के लिए जमा हुए लोग। 9 सेकंड न्यूज में अब आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं खेल जगत और ओलंपिक्स से जुड़ी कुछ अहम खबरें। भारतीय टीम ने श्रीलंका को तीसरे T20 में सुपर ओवर में हराया, सुपर ओवर में भारत को चाहिए थे 3 रन, सूर्या ने पहली गेंद पर चौका मारकर मैच खत्म किया। सुपर ओवर से पहले श्रीलंका को आखिरी ओवर में चाहिए थे 6 रन, कप्तान सूर्य कुमार ने की बॉलिंग, 5 रन देकर 2 विकेट लिए थे। रिंकू सिंह ने मैच का पलटा पासा, मिले 19वें ओवर में गेंदबाजी, रिंकू ने सिर्फ 3 रन देकर 2 विकेट झटक लिए। भारत की जीत में वॉशिंगटन सुंदर का बड़ा रोल, सुपर ओवर में श्रीलंका के 2 रन पर 2 विकेट गिराए, मैच में सिर्फ 23 रन देकर 2 विकेट लिए। बैटिंग में भारत के लिए शुभमन गिल ने भारत के लिए 39 रन की शानदार पारी खेली, गिल की ये पारी ऐसे वक्त में आई जब भारत के 50 रन से पहले 5 विकेट गिर गए थे।
कप्तान सूर्य कुमार यादव बने मैन ऑफ द सीरीज, श्रीलंका सीरीज में बनाए सबसे ज्यादा रन, 196 रन का रहा इनका स्ट्राइक रेट। कप्तान सूर्य कुमार और कोच गौतम गंभीर के लिए नए रोल में पहली सीरीज शानदार रही। भारत ने श्रीलंका का T20 सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप किया। इसी के साथ पिछले दौरे पर मिली हार का हिसाब भी बराबर हो गया। T20 सीरीज में जीत के बाद भारत का अगला टारगेट वनडे सीरीज पर कब्जा करने का है। भारत और श्रीलंका के बीच 2 अगस्त से 3 वनडे की सीरीज शुरू हो रही है। भारत को ओलंपिक में एक और मेडल, मनु भाकर सरबजोत सिंह की जोड़ी ने ब्रॉन्ज जीतकर रचाया इतिहास। शूटिंग के एक इवेंट में कोरिया को हराया। मनु भाकर का 2 अगस्त को अगला इवेंट, शूटिंग में दूसरा मेडल जीतने के बाद मनु भाकर ने कहा, दुआ कीजिए एक और मेडल जीतने की करूंगी कोशिश। पीएम मोदी ने मनु भाकर और सरबजोत सिंह को बधाई दी, कहा हमारे निशानेबाज हमें लगातार गौरवान्वित कर रहे हैं। मनु और सरबजोत दोनों ने मिलकर शानदार कौशल और टीम वर्क दिखाया। मनु भाकर के माता पिता ने बेटी की जीत पर तिरंगा लहराकर मनाया जश्न। सरबजोत के परिवार वालों और दोस्तों ने भी एक दूसरे को खिलाई मिठाई। भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक के क्वार्टर फाइनल में जगह की पक्की। अपने तीसरे मैच में भारत ने आयरलैंड को 2-0 से हराया। कप्तान हरमनप्रीत ने दोनों गोल किए। क्वार्टर फाइनल से पहले भारतीय हॉकी टीम के 2 बड़े मैच बाकी हैं। कल बेल्जियम से होगी टक्कर, 2 अगस्त की भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगी। बैडमिंटन में सात्विक चिराग का जलवा, ग्रुप स्टेज के मैच में इंडोनेशिया की जोड़ी को हराया। पहले ही क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं रंकी रेड्डी और चिराग। ओलंपिक में हिस्सा लेने पेरिस पहुंचे नीरज चोपड़ा, 6 अगस्त को क्वालिफिकेशन के लिए होगा मुकाबला। पिछले ओलंपिक में नीरज ने गोल्ड मेडल जीता था।